तो हेलो अरिन, कैसे हो? तो यहाँ पर यार एक बहुत बड़ा अपडेट जो है वो रिजल्ट से निकल कर ये आता है कि यार हमारे पास एनटीए जो कि जेई में एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, तो एनटीए के अंदर जो एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी न्यूज़ जो है वो आपने सुनी भी होगी अब तक कि ये न्यूज़ कब से चल रही है और वायरल हो रही है कि एनटीए जो अभी जेई में एग्जाम कंडक्ट कराता है या फिर जो भी नीट वाले एग्जाम्स होते हैं, तो जितने भी एग्जाम्स अलग अलग होते हैं कि भैया जेई मेन का अलग हो रहा है, नीट का अलग हो रहा है, एक सीयूटी एग्जाम जो अभी इस साल से नया स्टार्ट हो गया है, तो हर एक स्टूडेंट्स को बहुत सारे 3 दिन एग्जाम हैंडल नहीं कर पाता और हर एक स्टूडेंट्स को ये एग्जाम देने में बहुत बड़ी दिक्कत आती है, जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्स की डेट्स आपस में क्लैश हो जाती है जैसे इस बार भी हो गई थी। तो इन सब चीज़ों से, प्रॉब्लम से कैसे निपटा जाए, क्या किया जाए, तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत बड़ी जो एक यूजीसी यहाँ पर जो कमेटी है वो डिसीजन लेने वाली है कि हो सकता है नेक्स्ट ईयर से ये सभी एग्जाम आपस में मर्ज हो जाए, मतलब एक सिंगल एग्जाम होगा सीयूटी का, तब उस सीयूटी के अंदर ही सारे एग्जाम कंडक्ट करा दिए जाएंगे, उसमें आपका जेई मेन का एग्जाम भी हो जाएगा, उसमें नीट भी हो जाएगा, उसमें जो सीयूटी वाले जो भी है सीयूटी के अंदर, तो सीयूटी का पूरा सिंगल कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा। तो ऐसा करने के ऊपर एक विचार चल रही है, इसके ऊपर एक डिसीजन लेने का चल रहा है। तो यार इन सब चीज़ों के चलते और साथ साथ में हम जानते हैं कि भी एनटीए जो जेई मेन पेपर नंबर 1 का रिजल्ट आया था तो उसके अंदर ही बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को किसी को कम परसेंटाइल किसी को ज़्यादा परसेंटाइल दे दी गई है, तो वहाँ पर भी बहुत बड़ा एक स्कैम चल रहा है, उसके अंदर ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो यार इन सब चीज़ों को चल के जेई मेन पेपर 2 का जो रिजल्ट हम जानते हैं कि भैया 2 महीनों से अटका पड़ा है, तो उस रिजल्ट के चलते उसके अंदर और डिले होने के चांसेस यहाँ दिखाई दे रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस रिजल्ट्स। इतने सारे कारण चल रहे हैं, इतने सारे बड़े बड़े इश्यूज चल रहे हैं, तो इसके चक्कर में एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि जेई मेन पेपर 2 का रिजल्ट जो है वो ज़्यादा डिले हो सकता है। बट लेकिन हम चांसेस है, हम बिल्कुल एक आई होप कि हम आशा करेंगे, उम्मीद करते हैं कि 16 अगस्त से पहले रिजल्ट आए, आने वाले 3 दिन के अंदर हमको रिजल्ट देखने को मिले, क्योंकि यार नाटा का जो है रिजल्ट वो 16 अगस्त को रिलीज होने वाला है 3rd अटैम्प्ट का। जैसे ही नाटा का रिजल्ट रिलीज होता है उसके बाद मोस्टली स्टेट काउंसलिंग जो जल्दी स्टार्ट होने लग जाएगी, कुछ कुछ स्टेट काउंसलिंग होगी जो कि जेई का रिजल्ट का वेट करेगी, बट लेकिन कुछ कुछ हो सकता है नहीं भी करे, तो ये डिपेंड करता है। और इस बार जो हमारे पास नोटिफिकेशन आया है कि आपको जेई और नाटा दोनों से एडमिशन मिलेगा सभी स्टेट कॉलेजेस के अंदर, तो उस चक्कर में देखते हुए कि भाई जेई का रिजल्ट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये यहाँ पर बहुत बड़ा अपडेट है, तो हो सकता है इस बार लेट हो जाए इन सब चीज़ों के चलते हुए, ठीक है। और एक छोटा सा जो अपडेट यहाँ पर है, आपने सुना भी होगा, बहुत बड़ी न्यूज़ जो यहाँ निकल कर आ रही है वो कि है रिलेटेड टू हमारे पास नाटा जो सॉरी जेई मेन का 3rd अटैम्प्ट का कराने के बारे में, सभी स्टूडेंट्स ये मांग कर रहे हैं और ये हैशटैग ट्रेंडिंग पे चल रहा है ये बात कि जेई मेन का जो एनटीए जेई मेन 3rd अटैम्प्ट फॉर ऑल, ये हैशटैग ट्रेंडिंग पे चल रहा है। हर एक स्टूडेंट जो है स्कैम होने के कारण पेपर नंबर 1 के रिजल्ट में जो स्कैम हुआ है उस लिए जेई मेन 3rd अटैम्प्ट की 3rd अटैम्प्ट की मांग कर रहे हैं। तो यार 3rd अटैम्प्ट होगा या नहीं उसके चक्कर में देखना पड़ेगा कि 3rd अटैम्प्ट होता है तो हो सकता है हमारे को भी एक और चांस मिल जाएगा, तो उसका भी रिजल्ट का हमको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, पर लेकिन 3rd अटैम्प्ट अगर होता है तो बढ़िया है, एक और चांस हमको मिल जाएगा, तो ये सभी के लिए अच्छा है यार, ये देखते होता है नहीं होता, तो इसके चक्कर में हो सकता है रिजल्ट और काउंसलिंग और ज़्यादा डिले हो जाएगी अगर 3rd अटैम्प्ट होता है तो। तो ये सब चीज़ें खैर समय की बात है, जो भी अपडेट होगा आपको मिल जाएगा, पर अभी तक का अपडेट ही है, हो सकता है रिजल्ट जो है जेई मेन पेपर 2 का वो और ज़्यादा डिले हो जाए, तो ये भी अपडेट जो होगा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखो, टेक केयर, और बस यहीं घूम रहे हैं गार्डन के अंदर, और तब तक अपना ध्यान रखो, बाकी अपडेट होगा आपको मिलता रहेगा, वो कि अभी क्वारीज हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, और जो भी अपडेट होगा आपको मैं बताता रहूँगा, और ठीक है, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और आने वाले समय के अंदर आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ और मिल रही है अपने चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी, ठीक है, कि कॉलेज में जाने से पहले भैया क्या करना चाहिए, कॉलेज में किन किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए, कॉलेज में कैसे क्या करना चाहिए, तो उसके ऊपर भी वीडियोज़ मिलेगी, कॉलेज में कौन सा कॉलेज अच्छा है कौन सा नहीं है, काउंसलिंग के ऊपर वीडियोस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, डिटेल में, बस एक बार रिजल्ट आ जाए, एक्चुअली मैं रिजल्ट के वेट ही कर रहा हूँ, बस रिजल्ट आता ही आपको धड़ाधड़ रेगुलर एक परफेक्ट वे के अंदर आपको वीडियोस देखने को मिलेगी, ठीक है ना, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखो, गुड बाय।